हेलो मेहमर्स, तो कैसे हो आप लोग? तो यार उम्मीद करते हो सब बढ़िया होगा और मेहम बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो इसी के साथ यार नई वीडियो मेहम की, तो ज़रा इवेंट्स में चलते हैं। आज हम करने वाले हैं हैप्पी हॉलीडेज़। सो ऑल द वर्ल्ड इज़ हैप्पी व्हेन सेंटा क्लॉज कम्स। बट यार ये दो आर्थरूस वाले सेंटा, ये तो भाई जो है वो भी ले जाते हैं, तो ये सेंटा हैप्पी नहीं करते भाई, सैड करते हैं। इसकी वीडियो में नहीं बनाने वाला, तो अभी हैप्पी हॉलीडेज़ करते, जो करने आए हैं वो काम करते हैं। तो मैं इनसेन करूँगा, सिर्फ सुपरस्टार बहुत बेकार है, ज़रूरत नहीं है मुझे, बस इनसेन बहुत बढ़िया है। 300 कीज़ है और 150 तो मैं पहले ही क्लेम कर चुका हूँ। तो इवेंट कुछ ऐसा सा है, ये लड़के सब, ये तो बहुत पप्पू से थे, मैंने इन सबको इतनी ईजिली हराया, इतनी ईजिली हराया कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये लड़कियाँ भी सब ऐसी सी थी। लड़कों को अभी तुम्हारे सामने पेल रहे हो, तो एक एक को देखना, ठीक है? चलते हैं आप इसी बात पे। तो यार ये है मेरी टीम, सफिशेंट होगी उन लोगों के लिए। तो यहाँ का एक ही प्लेयर सफिशेंट है, ब्रॉलर तो मैं लाया नहीं हूँ, तो ज़रा तुम्हें फील्ड दिखाता हूँ अपना, ठीक है? ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है आजकल। मुझे पहचाना, मैं जादू। ए मेरी, मैं बड़ा हो गया, मेरी आवाज पे अब गौर मत करना। तुम्हें पता भी किसकी वीडियोस का नाम भी जानते हो? मिस्टर बेंजोग है उसका नाम। बेचारा इतनी मेहनत करता है और तुम लोग बिना सब्सक्राइब करे हुए चैनल को पूरी वीडियो देख के चले जाते हो। सही नहीं है ये, तो अभी सब्सक्राइब कर दो, वरना ऐसी शक्तियां दूंगा रोहित की तरह कि जब भी तुम लोग अपना हिलाओगे तो उखड़ जाएगा। क्या गलत मत सोचो, हाथ कह रहा हूँ। तो यार ये है मैच में, हम आ गए हैं। ये आते शोबोट, हाँ ऐसे यार मेरा शोबोट भी बिगाड़ दिया। मतलब खुद का नहीं है ना तो दूसरों का भी हटा दो, ऐसे नहीं करते यार, ये जलन की भावना होती है। खैर जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, इंट्रो पसंद ही आया होगा। अरे मारे जा रहा है, मतलब यार तेरे को सब्सक्राइब करने को थोड़ा ना कहा भाई, तू बैठ आराम से मेरे से लड़ यार। हैं तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, हाँ वीडियो भी पूरी देखो, लाइक करो लाइक, तो बहुत बढ़िया। एक स्टील प्यारा सा, अरे बहुत सही बहुत बढ़िया। अरे मारना, पता नहीं कब मारेगा भाई, मैं देखे जा रहा हूँ उसे, मार मार मार। चलो सही टाइम पे पैरी भी हो गई थी, और अब इसका तो खेल ही ख़त्म है, क्या करूँ अब इसका। ओ ये बहुत बढ़िया, 1 2 3। वैसे यार फेंड और जोकर एक दूसरे से इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा। स्टील क्यों नहीं हुआ था यार, ये तो बड़ा ख़तरनाक था, अगर उसकी हेल्थ होती तो मेरी मार लेता भाई, बच गया। खैर मैं तो मैच भी पहले ख़त्म, इसी के साथ सेंटा अंकल आने वाले हैं। आज क्रिसमस ईव है यार, पर वो सेंटा आर्थरस बहुत बेकार है, टट्टी आदमी है वो यार। तो यार यहाँ पे तो मैं अपने ले जाने वाला हूँ गोल्डबर्ग को 5 स्टार, इसमें थोड़ा कम यूज़ करता हूँ क्योंकि आज ही से अपग्रेड किया है, पहले ही अपग्रेड नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और इसको उठा के फेंकने वाला मेरी को शेट को। ओ सर यार डिफेंस डिफेंस नहीं करो, ऐसे कर दूंगा वरना। हाँ ये बात पता है तुम्हें, गोल्डबर्ग 10 हिट के बाद एग्जॉशन करते हैं, जो कि अभी कर रहे हैं भाई। पर ये 10 हील के बाद पता है क्या कर रहा है? ओ भाई डैमेज देखो भाई का, तुम कसम से मार दी इसकी तो तगड़ी तरीके से गोल्डबर्ग ने, ख़त्म है। तो लग ही नहीं रहा 4 स्टार से लड़ रहा हूँ, ऐसे लग रहा है बच्चे हैं। तो मज़ा आ गया यार गोल्डबर्ग बहुत सही, तो बस पिन कर दूँ और हो गया पिन। यार बहुत ही स्लो स्लो चल रहा था, और ये भाई साहब ये बहुत बढ़िया लगता है, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ मैं भी इसे। तो गोल्डबर्ग की यार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, उसने बोला था हु इज़ नेक्स्ट, तो मुस्तफ़ा अली आ गया, तो चलते हैं इसी बात पर, ठीक है? और ये मुस्तफ़ा अली के सामने हम लोग, और एक शोबोट प्यारा सा। तुमने वैसे देखा होगा यार मैं शोबोट बहुत करता हूँ, शोबोट पर मेरी बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी टिकी हुई है, शोबोट के बिना मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है यार, तुम्हें पता है भाई। एक थप्पड़ में स्टील, इतना घातक वाला वो भी, अभी इसका तो बार भी फुल हो गया। मोमेंटम एग्जॉशन सब दे दें, हाँ और कुछ बचा हुआ वो भी दे दे भाई मुझे। भाई यार मेरे शोवोट के चक्कर में मेरी स्ट्रेटजी, मैंने अभी तो कहा था, अरे 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 कुछ भी हो रहा है भाई यहाँ तो। भाई साहब ये तो मुझे खाली कर देगा यार, ये तो अच्छी हरकतें नहीं हो रही है। अबे पागल यार, मुस्तफ़ा अली की एबिलिटीज बहुत ख़तरनाक है, मेरे पास भी पड़ा है वैसे यार, पावर हाउस के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अरे 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 भाई साहब, ओ भाई धरे जा रहे फिर से स्टील। अबे हारूंगा तो नहीं ना मैं इससे, अब इस पप्पू से हारने वाला हूँ क्या मैं? अरे बच्चों से हार रहा हूँ। ओ भाई हार भी गया, इतनी बेइज्जती, शक्ल देखिए इसने अपनी, भाई साहब इतनी बेइज्जती तो हजम नहीं हुई यार, ये बहुत ही शर्मनाक बात है मेरे लिए यार। एक पप्पू से 4 स्टार से हार गया मैं, क्या करूँ अब। पर तुम लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे ना कि मैं शर्म के मारे डूब के मर जाऊँगा, मैं डुबा के मारने वाला मैं से हूँ, ठीक है? पप्पू के धरातू तेरी तो, अरे यस किक्स मारेंगे, हाँ 3 लात, पूरा पिछली बार का हिसाब चुका दियो, ठीक है भाई? प्रिसीजन भी है और डैमेज भी बढ़िया यार, ठीक है? तो अब उस पर रिवाइव किट लगा के दोबारा पे लेंगे हम लोगों को, क्योंकि यार मैं अकेला पावर हाउस लाया था, पावर हाउस की दुकान थोड़ा ना लानी थी मुझे साथ में, और भी क्लासेज होती हैं जीवन में। अभी स्टील किया ना, सबमिशन लगा दूंगा, लगा दिया भाई।
हद होती है, मतलब यार एक फाइव स्टार को, इतने बड़े फाइव स्टार को हरा दिया, इज्जत उतार दी, इज्जत खराब कर दी मेरी सारी, बेइज्जती कराता है यार ये पप्पू तो। इसे तो बस उंगली करने बहुत मजा आता है भाई, डैनियल ब्रेन को हर जगह उंगली करता है भाई, सॉरी। तो अगला है डैनियल ब्रेन हर जगह उंगली करने वाला है, तुम लोग ज़्यादा मत सोचना उसके बारे में वरना कहीं और ही पहुँच जाओगे, ठीक है। तो यार हम लोग अरे ये क्या ले आया मैं, वो भाई साहब झोल हो गया मेरे साथ तो। अरे मैं तो गोल्डबर्ग को रिवाइव लगा के थोड़ा तैयार यार करके आया था, ये क्या ले आया भाई मैं, यार ये मेरा सिग्नेचर भी गायब है। अच्छा हुआ मैं डैनियल ही ले आया, वो बेचारा तो अपना बार भरते भरते थक जाता, और यहाँ तो हम खेल ही ख़त्म कर रहे हैं इनका। खैर वो भी इतना बेकार नहीं है यार, पता नहीं गोल्डबर्ग को, उसकी एबिलिटी ज़रा ज़्यादा अच्छी थी और ऊपर से मैम वालों ने उसे एनहेंसमेंट दे रखी थी, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी यार। उसने एक थप्पड़ में जो स्टील किया था ना अभी तक याद है मुझे, मतलब एक स्टील में 10 बार का बार भर लिया था उसने, ऐसा कुछ था भाई वो खतरनाक। खैर कोई नहीं, मुझे क्या पता था उसे थप्पड़ खाना भी इतना महंगा पड़ेगा। एक गलती हो गई यार, मैं एज स्टाइल्स को ले आया, असल में 2 क्लास लाने नीचे थे मुझे, सेम। खैर कोई नहीं, अब एजे से हराते हैं, आया है तो भाई कुछ तो करके जाएगा। असल में एजे को ना यार मैं बड़े मैचेस में ले जाता हूँ, वो वहाँ पे सबकी चड्डी उतार देता है, पर यहाँ तो सब छोटे छोटे हैं। पर यार छोटे छोटे तब भी शर्म की बात मेरे लिए है, मैं उन छोटे छोटे से भी हार गया, एक बढ़िया 5 स्टार को हरा दिया। और यार इनकी एबिलिटीज़ क्या है भाई, ये बार भरे जा रहे हैं, कभी खुद थप्पड़ खा के बार भरवाता हूँ, कभी थप्पड़ मार के बार भरता हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या करूँ मैं, बस बैठा रहूँ क्या यहाँ पे सामने सामने, कभी थप्पड़ मार के बार भरते हैं, कभी खा के भरते हैं। इसको तो जॉनी गार गए ना, अभी तो इसे मैंने कल परसों ही अनलॉक किया, पता है 4 स्टार लूट के इससे मिला था, वीडियो में डाला था यार मैंने, तुम लोगों ने देखी क्या कमेंट में बताना भाई। अब मोमेंटा मत करियो प्लीज़ यार, एक तो मेरे पास एम्पियर वाला कोई प्लेयर ही नहीं है, सब दिक्कत तो इस बात की है। चलो भाई जैसे तैसे डेंजर पिन में तो आया ये पप्पू सा। और एक मिनट यार, मैंने तो जब एजे से सिग्नेचर मारा तो मोमेंटम कौन करेगा, हाँ अभी करा, बहुत बड़े बच्चे पेल दो, अब उठा के फेंको इसको, ऐसे थोड़ा ना होता यार, इतना मार दिया तब भी मुझे, बहुत बेइज्जती हो रही है यार इन लोगों को, छोटा छोटा कह कह के मैं छोटा बनता जा रहा हूँ। कोई नहीं भाई, दबा दे यार, दबा के इतना पतला सा तो है वो, उसे चढ़ जा उसके ऊपर, पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है ये भी ना, बैठ जाना चाहिए उसके ऊपर चढ़ के, अब तो खैर अब नहीं उठने दूंगा भाई पक्का। हाँ अब ठीक है, जॉनी कार के ना थक गया, अब लेटना चाह रहा है बेचारा। ये भी सब उंगली करते हैं, हमें सबकी आदत है ऐसे उंगली करने के ऊपर। तो भाई ये रहा अपना गोल्डबर्ग दोबारा से, इस बार तो ऐसे ले जाऊंगा यार, पिछली बार झोल हो गया था मेरे साथ। तो यार हम लोग आ गए हैं दोबारा मैच में, और इस बार तो मैं हार के तो नहीं जाने वाला हूँ, पक्का बता रहा हूँ। असल में यार मुझे ना पिछली बार मैं इसके देखने के चक्कर में रह गया था, असल में जब हम लोग पास से शो आउट करते हैं ना तो अपनी एक आँख ये बड़ी कर लेता है, तो मुझे वो ज़रा अच्छा सा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि देख लेते हैं यार एक बार ज़रा। और तभी उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया था, और ये डैमेज क्या था भाई, ख़त्म भाई साहब, क्या डैमेज दे रहा है, गोल्डबर्ग को गुस्सा आ गया अब तो भाई साहब, अब तोड़ देगा सबको। एक प्यारा सा शोबोट यार, ऐसे थप्पड़ खा गया था मैं उसके शोबोट देखने के चक्कर में, पिट गया था पिछली बार, बट इस बार नहीं ऐसा करूँगा, ये बात बहुत सही, अब नहीं उठेगा भाई। गोल्डबर्ग ने भाई क्या डैमेज दिया था बंदा, इसे तो अभी और अपग्रेड करना है मुझे, रैंक 3 मैक्स आउट करना है, अभी तो रैंक 2 पे पड़ा हुआ है, वो भी मैक्स आउट नहीं, अभी और मैक्स आउट होगा। तो ये यार आर्थर सेंटर दोबारा से, इसका यूज की वीडियो तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, वहाँ तो ये इसने हक दिया उसने यार, वहाँ पे यहाँ पे नहीं हकने दूंगा, यहाँ तो मैं इसे उठा के फेंक दूंगा। तो यार हम लोग आ गए यहाँ पे दोबारा से उठा के फेंकने इसको, सेंटा को, इसका शोबोट तो मैं तसल्ली में देखूंगा यार, अभी इस मैच में नहीं देख रहा, कहीं पता चला दोबारा पेल दिया मुझे, भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, डैमेज बहुत प्यारा दे रहा है भाई बंदा, मज़ा आ रहा है देख के यार। स्ट्राइक रेंज फिर से ख़त्म हो गया, डैमेज क्यों दिया था यार वो भाई, कितनी पतली पतली माचिस की तीलियाँ लगा दी क्या भाई पेन की जगह। और अब एक मेरा सुपर बढ़िया वाला, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला उठाया और उठा के पटक दिया, और फिर दोबारा उठाया फिर उठा के पटक दिया भाई साहब बहुत बढ़िया, सही है सही है। हाँ यार यही आग जो ऐसे करते ना बिल्कुल ऊपर, मज़ा आ जाता है। ये और रॉक यार, इनकी जो आँखों का जो स्टाइल है ना यार, अरे यार अब तो ये स्टन तो हो गई नहीं वो भाई, भाई आराम से, अरे मेरी बात मान सुन, हाँ तो आराम से, अबे खेल ढंग से खेल, एम्पियर इंटू 3 पे क्या करोगे, मुझे तो लग रहा है मैं पिट जाऊँगा, नहीं मैं नहीं पिटूंगा, मैं पिट के जाऊँगा भाई, सही टाइम पे मैंने डॉज कर दिया था, वरना अभी तक तो मैं पिटा हुआ होता यहाँ पे। ओ ये जान बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ये इवेंट होता है यार फिनिश, 3-2-1 बहुत सही, अब कोई नहीं बचा भाई, इवेंट ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट बाद में देखिए। तो दोस्तों यार स्टोरी टाइम एक बार की बात है, मिस्टर बेंजॉक ने हैप्पी हॉलीडेज इवेंट कंप्लीट कर दिया, मतलब इनसेन कंप्लीट कर दिया, मेरे लिए तो कंप्लीट है, इसके बाद में इसमें घुसने भी नहीं वाला। तो अब रिवॉर्ड्स टाइम, तो यार रिवॉर्ड बॉक्सेस ये वाले बहुत बढ़िया होते हैं, कीज़ मिलती हैं यार बहुत सही हैं, ऐसे ही बॉक्सेस मिलने चाहिए यार हर इवेंट में, बट एनर्जी भी बहुत ले रहे हैं वो लोग। खैर ये मेरे रिवॉर्ड्स यार बढ़िया वाले, तो सर थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा अपग्रेड कर लेता हूँ भाई को, 4-3-2-2 पे यार, अब तो ये एज स्टाइल से भी आगे निकलने वाला है भाई साहब, इतना कैश भी नहीं है क्या मेरे पे, बहुत गरीबी चल रही है यार, एक ये तो लगा के जाऊँगा मैं पक्का, अभी भी वो भाई अभी भी कैश मिसिंग है, शिट
इतना ही लगाते हैं, एक लेवल अप करते हैं बस। तो यार दोस्तों आज के लिए इतने, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट फ्री के कर देना, जितने चाहो उतने करना बट अच्छे अच्छे, हाँ ताकि पढ़ने में मुझे अच्छा लगे। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बाय। दूसरी वीडियो चूज़ करने जा रहे हो पर पहले मेरा दबा तो दो। आज मेरा बहुत मन है, तुम मेरा दबाओ सब्सक्राइब का बटन।